हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम जा रहे हैं ओरियन मॉल, जो कि गोरखपुर में न्यूली बिल्ट मॉल है और ये गोरखपुर का बिगेस्ट मॉल है। तो आइए देखते हैं। बिगेस्ट मॉल ऑफ गोरखपुर, जो कि कुछ इस तरह से है। ये बाहर की सजावट है। ये है यहाँ का एंट्री गेट। कुछ इस तरह से डेकोर किया गया है इसको, यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए। और यहाँ पे सिनेमा हॉल भी ओपन हो चुका है। ये जो बाहर ट्रीज लगे हुए हैं फॉर इट्स डेकोरेशन, इट्स वाओ। सो चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या है। ये हमारे राइट साइड में KFC है। और कुछ इस तरीके से आपका सिक्योरिटी चेकअप हम हो गए हैं। और ये है KFC। ये फास्ट टिकट्स के लिए यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है। फ्रॉम हियर यू कैन स्वैप योर कार्ड्स एंड कलेक्ट योर टिकट्स। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ में यहाँ की सीलिंग भी बहुत ही अच्छी है। इट्स फिंगर लिंक एंड गुड एंड दिस इज द KFC। KFC की सबसे खास बात ये होती है, जो प्राइस पे उसके मेन्यू पे लिखा होता है उसी प्राइस को ये लोग चार्ज करते हैं। इसमें कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं होते हैं। जो प्राइस होता है वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है। यहाँ पे मुझे सबसे खास बात ये लगी, जो इसकी सीलिंग है, इसकी जो LEDs लगे हुए हैं ऑन द फेस के, ये कुछ अलग है, कुछ अलग ही फील दे रहा है यहाँ के एम्बिएंट को। ये है मैक्स और ये टू साइडेड ओपन यहाँ का लिफ्ट। और यहाँ पर ये म्यूजिक और अनाउंसमेंट एरिया भी है, जो कि दिन में ये लोग कुछ अनाउंस करते हैं ऑफर्स वगैरह। और यहाँ जो लिफ्ट लगी हुई है वो टू साइड ओपन है, इस साइड की ग्लास है और इस साइड से आप एंटर करते हो उस साइड की ग्लास ओपन है। और जो मैक्स है इसमें वो टू फ्लोर्स का है। कुछ इस तरीके से ये रेस्टरूम एरिया है। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए। यहाँ पे पीटर इंग्लैंड, स्पाइकर, वेब चेन्स, कुर्ती, स्केचर्स, कई सारे शोरूम्स है। ये मिनी शॉप भी है, मिनी जापान। सभ्यता क्योंकि कोई लेडीज मोती का कोई ब्रांड है सभ्यता। ये एक एडिशनल लिफ्ट भी है, जो मैंने एंट्री के साथ में लेफ्ट साइड दिखाया था। और ये टू लिफ्ट इधर की ओर लगे हुए हैं। सारे शॉप्स यहाँ ओपन नहीं हुए बट हाँ, यहाँ जो भी है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड फ्लोर। और ये फूड कोर्ट है यहाँ का। ये फन एरिया है, जहाँ पे किड्स के लिए कुछ प्लेइंग टॉयज है, बाइक्स, कार्स, ये सब। तो ये एरिया तो अभी बंद है। कैन सी सम लाइटिंग फ्रॉम दिस साइड।
सो इसके लिए मैं दोबारा ना होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा। लाइक यू कैन सी कुछ इस तरीके से है। सो अभी ये बंद है ये आगे, और थर्ड फ्लोर पे ये एक और फर्स्ट काउंटर है, और ये यहाँ का टिकट यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजीज है, ये पूरा फूड कोर्ट है। यहाँ पे इस नाम भी आपको कुछ इस तरीके की है, रूसा प्लाजा और कुछ इस तरीके से सारे नाम है यहाँ पे। इनके सीलिंग की जो लाइटनिंग है वो बहुत ही अच्छी है। और ये यहाँ पे ये जावेद हबीब, क्योंकि ये एयरपोर्ट की बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, और बर्गर की ये भी काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइजी है, काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है बर्गर के लिए, तो बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे डोमिनोज फ्रेंचाइजी भी है, और यहाँ ये सब पूरा सिटिंग एरिया है। और यहाँ से ये ऊपर जाने का एक और रास्ता है, वो भी फूड कोर्ट में ही है, चलते हैं ऊपर और क्या है। सो कुछ इस तरीके से है ये ऊपर आने का एक और, देख के मुझे लगा ये रोल करने का है, ये कुछ डेविल ड्रिंक्स नाम का फ्रेंचाइजी है। तो फूड कोर्ट एरिया का जो एम्बियंस है और जो सीढ़ी का डिज़ाइन है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ऑसम है। और ये है यहाँ का आईनॉक्स मॉल एंट्रेंस। सो अगले वीडियो में मैं इसको भी कवर करूँगा, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो। ये है कि क्या ऑफिस अभी ओपन तो नहीं हुआ है, बट सून इट विल बी ओपन। स्टोरी इसकी ओपनिंग कल से हो जाएगी, 14th of December 2019। ये जापान टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है ये लोग। इसमें जो आईनॉक्स सिनेमा है वो 4 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स होगा, जो कि गोरखपुर का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स सिनेमा है। और फर्स्ट फ्लोर पे मैक्स का मेंस एरिया है और किड्स एरिया है। ये कुछ नया सा लग रहा है यहाँ पे, रेड कारपेट टाइप का, दिस इज रेड कारपेट सेक्शन। ये पर्स गॉगल्स लेडीज के लिए। सो एज फॉर एक्सपेक्टेशन ये तो काफ़ी ज़्यादा ही लगा मुझे एक्सपेक्टेशन से। और लिफ्ट के बेसिकली ये फ्री ये जो लाइटिंग है वो तो बहुत कुछ है यहाँ पे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका क्या ओपिनियन है, आपको ये मॉल कैसा लगा? और अगर आप गोरखपुर के रेजिडेंट हैं, गोरखपुर में रहने वाले हैं, या अगर आप गोरखपुर आते हैं तो इस मॉल में ज़रूर विज़िट कीजिए। ये मोतीपुर बिग बाज़ार के पास में ही है, और यहाँ पे आपको क्या चीज़ खास लगती है, और अगर आप आ रहे हैं तो आप KFC में चिकन ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छा होता है। और आपकी जो भी ओपिनियंस है हमें शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह की अच्छी में लाइन लगी हुई है, और यहाँ का डेकोर एम्बियंट और जो यहाँ की लाइटनिंग है वो आपको कैसी लगती है, हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेन्युइन अपडेट्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें।